आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी द्वारा स्थापित संस्था अहिंसा विश्व भारती द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है नैतिकता एवं अध्यात्म द्वारा राष्ट्र निर्माण के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब मंच पर विराजमान, आयोजन समिति के आदरणीय अभय कुमार जी जैन साहब, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, डॉक्टर अजीत गुप्ता जी, श्रीमान करमजीत सिंह जी, श्रीमान गणपत राज जी चौधरी साहब, उपस्थित सभी भाई और बहनों, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर शांति दूत आचार्य लोकेश मुनि जी के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन नैतिकता एवं अध्यात्म द्वारा राष्ट्र निर्माण राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाएगा। यह बेहद हर्ष का विषय है कि महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के दौरान अहिंसा विश्व भारती संस्था देश के विभिन्न प्रांतों में 24 सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और डॉक्टर साहब भीमराव जी अंबेडकर तथा महात्मा गांधी आदि ने अहिंसा पर बहुत बल दिया। इन युग पुरुषों ने अहिंसा के महत्व को समझा, इसकी राह पर चले, अनुभवों के आधार पर दूसरों को भी इस राह पर चलने को कहा। भगवान महावीर और बुद्ध के इन्हीं सिद्धांतों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए अनेक बार सत्याग्रह और अनशन किए। अहिंसा के बल पर उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी सामाजिक समता और समरसता लाने हेतु अहिंसक आंदोलनों का सहारा लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके प्रमाणित किया कि वो अहिंसावादी थे। सत्य के साथ गांधी जी का अटूट नाता रहा है, सेवा के साथ भी उतना ही अटूट नाता रहा है। महात्मा गांधी अनगिनत भारतीयों की तो आवाज़ बने ही, मानव मूल्यों और मानव गरिमा के लिए एक प्रकार से वे विश्व की आवाज़ भी बन गए थे। जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, जबकि उस दिन पूरे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में मनाएं। भारत सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातन संस्कृति का देश है। भारत भूमि देवताओं की पुण्य भूमि है। हमारे देश की विरासत में हमें नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों का इतिहास मिला है। संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान का प्रतीक नैतिकता है। नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान, पुरखों से विरासत में मिली अनमोल धरोहर है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपट सदाचार, संतोष, पारस्परिक सहयोग एवं सभी नैतिकता के आधार बिंदु हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आती है, इसलिए बच्चों को संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। ईमानदारी, सत्यता, विवेक, करुणा, प्रलोभनों से दूर रहना ही नैतिक मूल्यों के आदर्श तत्व हैं। धर्म हमेशा मनुष्य को सदाचार एवं आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह विचार एवं आचरण है जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवत्व में बदलने की सामर्थ्य रखता है। अध्यात्म सभी धर्मों का सार है। यह सत्य से साक्षात्कार कराता है एवं उसके आचरण की प्रेरणा देता है। अध्यात्म युवाओं को चरित्र निर्माण की ओर प्रेषित करता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही देवी गुणों से परिपूर्ण होता है। ये गुण सत्य, निष्ठा,
समर्पण, साहस एवं विश्वास से जागृत होते हैं। इनको अपने आचरण में लाने से व्यक्ति महान एवं चरित्रवान बन सकता है। युवाओं में प्रचंड ऊर्जा है, हमें इस युवा शक्ति को उचित दिशा की ओर प्रेरित करना होगा, जिससे राष्ट्र का निर्माण सफलतापूर्वक हो सके और भारत प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो तथा परोपकार ही सेवा है मैं विश्वास करने वाला देश है। हमें इन विचारों को अंगीकार करके इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में देश में आयोजित हो रहे 24 कार्यक्रमों के माध्यम से देश में नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का सर्व संवर्धन होगा, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता व विकास को बल मिलेगा। और आज हम माननीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके प्रेरणादायी दिशा की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस महान कार्य के लिए आचार्य श्री का अभिवादन करता हूं तथा आप सभी को बधाई देता हूं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।